ना ही दानियाल ने कोई आग लगाई है, ना ही कोई दरवाजा लॉक किया, भला वो मेरी जान क्यों लेगा। इतना झूठ कब से बोलने लगी हो तुम पिया? और झूठ बोल के उसे बचाना क्यों चाहती हो? इन सब बातों का अब ना तो कोई फायदा है और ना ही वक्त। बिया वो तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, मेरी इस बोझ भरी जिंदगी को खत्म कर देगा, ये तो उसका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ऐसा हो नहीं सकता। मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा बिया, कभी भी नहीं। क्यों? आप सब ने तो मेरी जिंदगी को खेल बनाया है, अब मुझे इस खेल में मजा आने लगा है तो आपको बुरा लग रहा है? अब तो मैं खुद आपको मौका दे रही हूं, अब लड़े ना आप सब अपनी अना की जंग। अना? किसकी अना? कौन सी अना? ऐसा कुछ नहीं है बिया, तुम्हें गलत लग रहा है, गलत समझ रही हो तुम। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही, और आप मुझे कुछ और समझाने की कोशिश ना करें। आपके लिए बेहतर यही है कि मेरे मामलात से दूर रहें और मेरी जिंदगी में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। कंडीशन तो माशाल्लाह बहुत बेहतर है पहले से, और इंजरीज भी रिकवर हो रही हैं। होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगी। अच्छा मिस लैला, ज़रा एक दो मिनट के लिए आप बाहर तशरीफ लाइएगा। हाँ जी जी, हाँ मैं भी आती हूँ। हाय, रिलैक्स रिलैक्स, चोट लगी हुई है तुम्हें बहुत। तुम यहाँ क्यों आए? बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे मिलने के बारे में। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो ऐसे लगा जैसे ये एक साइन है, एक ऐसा साइन। शायद खुद खुदा भी मुझे ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मिल लेना चाहिए, इसलिए आ गया। यानी तुम बहुत बहादुर लड़की हो, बहुत एम्बिशियस। तुम अपना करियर बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, और इसमें कोई बुराई नहीं। अच्छी तरह जानता हूं वली तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। बहुत दिनों से सुन रहा था उसकी बातें, मुझे एहसास हुआ कि वो तो ना सिर्फ तुम्हारा करियर बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देना चाहता है। तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं, इसलिए मैंने सोचा मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा अगर मैंने तुम्हारी मदद ना की। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, एक मौका देना होगा बस। मदद? कैसी मदद? पिज़्ज़ा फॉर यू प्लीज। थैंक यू।
सब औरतें अपनी मर्जी से जिंदगी क्यों नहीं जी सकती। आज एनी अपनी कहानी लेकर हमारे सामने आई हैं और हम सबको मिलकर एनी का साथ देना चाहिए। मैं आज आप लोगों के सामने अपना मुकदमा लेके आई हूँ ताकि आप मेरी कहानी लोगों तक पहुँचाएं। आज से चंद हफ्ते पहले मैंने टोनी कास्टिंग एजेंसी के साथ एक मूवी साइन की थी एज ए लीड एक्ट्रेस। मैं नहीं जानती कि उन्हें धमकाया गया है या भारी रकम देके चुप करवाया गया है। बोलो अनस। न्यूज़ लगा फौरन। मैं क्यों देखूंगा न्यूज़ यार? एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लेकिन एन वक्त पे मुझे बगैर बताए मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया और मुझे रिप्लेस कर दिया गया। मेरी पूरी शूटिंग कैंसिल कर दी गई। मेरे पास यहाँ पे सारे सबूत हैं। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मेरी जान को खतरा है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। मेरा नाम नेहा सौतेला भाई मुझे अपनी जागीर समझता है। मेरी राह में रुकावटें खड़ी कर रहा है। मैं आप लोगों से इल्तजा करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे दरिंदे से बचाए। उसने आज मुझे इस हालत में पहुंचाया है। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए और इसमें सिर्फ आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं मेरा पैगाम आगे पहुंचाकर। कहाँ चल रहा है ये सब तमाशा? प्रेस क्लब पर। तो वहीं रुको, आता हूं मैं। वली तुमने देखा ये क्या किया है इन्होंने? मां ये फिक्र ना करें आप, आज इस फसाद की जड़ को खत्म कर दूंगा मैं। वली वली क्या कर रहे हो? वली ये क्या कर रहे हो? वली वली रखो उसको वापस। बस मां, आज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, आज नहीं रुकूंगा। वली छोड़ मुझे, मेरी बात सुनो। वली 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 नहीं, वली तुम वहां नहीं जाओ। वली वली मेरी बात तो सुनो। वली वली रुक जाओ। वली आंटी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मुझे छोड़ दो बेटा। वली को देखो, वली गुस्से में गया है यहाँ से। आंटी आप खुदा के लिए भैया जाओ, वली के पीछे जाओ, मेरी फिक्र ना करो। वो गुस्से में गया, उसको कुछ सुझाए नहीं देता गुस्से में। जल्दी करो भैया, उसको रोक लो भैया, किसी तरह से रोक लो भैया। मामा बस भी करें, जो होना था वो हो चुका है। हमारे लिए अब यही अच्छा है कि हम हकीकत को एक्सेप्ट कर लें। कंदील, तुम अपने बाप की जबान बोल रही हो। मखमल में कभी भी टाट का बेवंत भला नहीं लगता। उस लड़की का मायार है, वो काबिल है मेरे बेटे के। आई एम सॉरी मामा, आपके बेटे को वो अपने मायार की लगी थी तभी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। और वैसे भी बिया इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम दें उसको, हमारे घर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेगी। ये सब भाभी बेगम की साजिश थी। उन्होंने ही माँ बेटी को बुलाया मुझे नीचा दिखाने के लिए। यही सोच कर तो मुझे रात भर नींद नहीं आती। वो भला ऐसा क्यों करेंगी मामा? और खुदा के लिए आप अपनी खुद साख्ता सोचों को थोड़ा सा तो कंट्रोल में रखें। भाभी बेगम ऐसा कर सकती हैं क्योंकि मेरा बेटा खानदान का फखर था और वली की वजह से भाभी बेगम को खानदान में शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। उन दोनों माँ बेटी की साजिश की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की है उन्होंने और मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। हमा प्लीज, आप अपनी जाती दुश्मनी को अपने तक रखें, बिया बेचारी को मोहरा मत बनाएं। वो बेचारी है तो इनकार कर देती ना निकाह के वक्त, क्यों नहीं किया उसने? उसकी माँ तो है ही लालची, वो तो चाहती है ये सब कुछ। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब मियां बीवी आपस में खुश हैं तो प्लीज आप भी खुश हो ना उनके लिए। खुश? कंदील तुम्हें अपने भाई की उदास आंखें नजर नहीं आती हैं? सारा कसूर तुम दानियाल पे ही डाल रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था मामा। मैं मतलब को नहीं जानती। तुम खुदा को राजी करो कि वो दानियाल से निकाह करे,
बाकी आगे मैं खुद संभाल लूंगी। हुदा को जितना मैं जानती हूँ वो कभी नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। कोई ना कोई तो हल होगा ना, तुम उसे राजी करो। इससे पहले कि भाभी बेगम हुदा का निकाह वली से करवा दें और सारी जायदाद अपने नाम लगवा दें और खानदान में उनकी वाह वाह होते रहे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। वो भला ऐसा क्यों करेंगी मामा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, जब वो दानियाल को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं तो हुदा को भी शीशे में उतार सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। जितना मुझे अंदाजा है हुदा कभी वली से शादी के लिए राजी नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा कोई खदशा है तो मैं हुदा से बात करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। बात नहीं, तुम्हें उसे राजी करना होगा बेटा, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब आप खुश हैं? हाँ। अच्छा आप ये ट्राई करेंगी? बहुत हैवी हो जाएगा। नहीं थोड़ा सा। मैम आपको आपके भाई वली से क्या प्रॉब्लम है? मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो उसे है मुझसे कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से क्यों जीना चाहती हूँ। आप अपने भाई की बात मान क्यों नहीं लेती? जी मेरा भाई क्यों नहीं मेरी बात मान सकता? अगर मैं अपने पैशन को परसू करना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है बताइए। बंद करो कैमरे। मैंने कहा था ना आप लोगों को मेरी जान को खतरा है। बहुत शौक आ रहा तुम्हें हमदर्दी समेटने का? पुलिस को बुलाइए। आज तुम्हारा वो हाल करूंगा कि पूरी दुनिया को सच में हमदर्दी आएगी तुम पर। ए! अगर आज कोई बीच में आया तो जान ले लूंगा उसकी। शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते और समझते हुए। सच कहते हैं सब, तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। यानी इज्जत के लायक नहीं, और तुम खुद क्या हो? ताकत के जोर पे सबकी जिंदगी जीरण करने वाले, ये बदतमीजी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी बली। बस बस महंगी तो तब पड़ेगी जब तुम जिंदा बचोगी, जान से मार दूंगा तुम्हें। वली, वली नहीं, नहीं, मैं जान से मार दूंगा इसको। तेरी इज्जत के साथ खेला है इसने, खानदान की इज्जत के साथ खेला है। बहन, बहन है तो बहन ना। ऐसी होती है बहने? हाँ, तुम मेरे भाई नहीं हो वली। चलो ऐसी होती है बहने, ये बहन है मेरी, ऐसी नहीं होती है बहने। ये करती है बहने, जाओ यहां से वली। बहुत हो गया प्लीज, बस आनी, बस घर जाओ। ऐसी होती है बहने, बहुत तमाशा लग गया, आ जाओ। ऐसी नहीं होती है बहने, बड़ा पाक रिश्ता है।
ठीक है? वो यहां पे आके तूफान ने बदतमीजी मचा के चला गया और आप लोग खामोश खड़े रहे। मेरा नहीं तो कम से कम अपने इदारे का लिहाज कर लेते। यूज़लेस। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वली को बच्चे थोड़ी ना है, ऐसा वैसा वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। तुम्हें अंदाजा नहीं बिया, उससे वो कितना पागल हो जाता है। अब जिस तेज से वो निकला ना घर से बाहर, मुझे डर है कि वो गुस्से में कुछ। आंटी आप उनके किसी दोस्त को कॉल कर ले। किया है ना बेटा, अनस को इतनी दफा फोन किया, उसे रब्ता ही नहीं हो रहा किसी तरह से, और वली ने अपना फोन बंद कर रखा है। क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। आंटी बस दुआ करें सब खैर। अरे बेटा भैया, मेरा तो रुआ रुआ दुआ कर रहा है उसके लिए। अल्लाह ताला उसको अपनी हफ्ज़-ओ-अमान में रखे, जो हर मुश्किल से बचाए। अल्लाह रहम कर मेरे बच्चे का। आमीन। आंटी आपके पैर को कुछ आराम आया? हाँ बेटा बहुत आराम। बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो, खुश रहो, बस जाओ तुम आराम करो, बहुत हो गया। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।